The Dawn Express. Aina Sashka. मैं जगदीश तिवारी, द डॉन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आशा है आप सब सुखी व स्वस्थ होंगे। विश्व मधुमक्खी दिवस पर प्रोपोलिस मधु और मधुमक्खी के अन्य उत्पादों के लाभ तथा कृषि और बागवानी में इस पंखधारी कीट की महती भूमिका पर चर्चा की जाएगी। राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड के एक सदस्य ने आयोजन की पूर्व संध्या पर यह जानकारी दी। शर्मा के अनुसार अनुसंधानकर्ताओं ने प्रोपोलिस में COVID-19 जैसे संक्रमणों के प्रतिरोध की क्षमता बढ़ाने के गुणों का परीक्षण किया है। बोर्ड के कार्यकारिणी सदस्य देवव्रत शर्मा ने उन्होंने कहा, अभी फिलहाल ही ITI दिल्ली और जापान के औद्योगिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिक संस्थान ने COVID-19 महामारी की रोकथाम में आयुर्वेदिक दवा अश्वगंधा और मधुमक्खी उत्पाद प्रोपोलिस के असरकारी होने का दावा किया है। उन्होंने कहा, वैसे तो मधुमक्खी की परागण और खाद्य उत्पादन में वृद्धि करने की भूमिका को वैज्ञानिक अल्बर्ट आस्टिन ने सराहा है। मधुमक्खी पालन से शहद के अलावा प्रोपोलिस, रॉयल जेली, मोम, डंक, पोलन जैसे महंगे उत्पादों को निकालने के तरीके विकसित हुए, जिसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए किसान लाभान्वित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ओर से दिए गए 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज में 500 करोड़ रुपये समकेतिक मधुमक्खी पालन विकास केंद्र को दिए गए हैं, ताकि मधुमक्खी पालन किसानों के लिए आधारभूत ढांचे का विकास हो सके। शर्मा ने पैकेज के लिए प्रधानमंत्री व सरकार को धन्यवाद दिया। संयुक्त राष्ट्र आम सभा ने वर्ष 2017 में 20 मई को पूरे विश्व में मधुमक्खी दिवस मनाने का संकल्प लिया। पर परागण में मधुमक्खियों की इसी भूमिका को लेकर प्रख्यात वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि अगर दुनिया में मधुमक्खियाँ खत्म हो जाए गई तो चंद सालों में सारी सभ्यताएँ खत्म हो जाएंगी। अगली खबर, मोदी सरकार के मेक इन इंडिया अभियान के तहत भारतीय वायुसेना ने 3 बड़ी परियोजनाओं को टाल दिया है। वायुसेना ने जिन 3 परियोजनाओं पर फिलहाल रोक लगाई है, उनमें स्विट्जरलैंड के 38 पिलाटस बेसिक ट्रेनर विमान, ब्रिटेन से 20 अतिरिक्त हॉक विमान और अमेरिका से अपग्रेड इंजन के साथ 80 जैगुआर लड़ाकू विमानों की खरीद शामिल है। वायुसेना प्रमुख RS भदौरिया ने बताया, हमने पिलाटस ब्रिटिश ट्रेनर विमान नहीं खरीदने का फैसला किया है, वहीं हमारी अतिरिक्त हॉक विमान खरीदने की योजना थी, जिसे फिलहाल टाल दिया गया है। अब हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की मदद से इन परियोजनाओं को पूरा करेंगे, साथ ही कुछ अन्य इंजन अपग्रेड करेंगे। मेक इन इंडिया वो अन्य कारणों से इन परियोजनाओं को रोका गया है। भारत सरकार की 1,000 करोड़ रुपये में स्विट्जरलैंड से 38 ट्रेनर विमान खरीदने की योजना थी, लेकिन STT 40 ट्रेनर विमान को विकसित करने की एडवांस स्टेज में है, लिहाजा वायुसेना ने भारत में बने इन 70 विमानों को खरीदने का फैसला किया है। इसी तरह 2000 करोड़ रुपए के हॉक विमान खरीदने की योजना थी को लेकर 3-4 साल से अटकी थी। आर्थिक पैकेज की चौथी किस्त का ऐलान करते हुए वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने बताया कि रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए मेक इन इंडिया पर जोर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम वर्षवार समय सीमा के साथ आयात पर प्रतिबंध के लिए हथियारों प्लेटफॉर्म की सूची को नोटिफाई करेंगे। आयातित पुर्जों का स्वदेशीकरण होगा, ताकि इन विदेशी देशों पर हम निर्भर नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि रक्षा निर्माण क्षेत्र में स्वतः मंजूरी मार्ग के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाकर 49% से बढ़ाकर 74% की जाएगी। वहीं अगली खबर, बिहार के मधेपुरा में निर्मित 12,000 पावर हाउस का इंजन 12वीं मध्य रेलवे ने उत्तर प्रदेश स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय डिवीजन को झारखंड के धनवार डिवीजन तक चली। इसके साथ ही भारत का नाम रूस, चीन, फ्रांस, जर्मनी और स्वीडन सहित अन्य देशों की फेरिस्त में भारत शामिल हो गया है, जिसके पास 12,000 पावर हाउस या उससे अधिक ज़्यादा क्षमता वाला विद्युत रेल इंजन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया के सपने को साकार करते हुए 12,000 पहला शक्तिशाली और उच्च गति में सक्षम लोकोमोटिव भारतीय रेलवे के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मालूम हो कि भारतीय रेल के पास अब तक सबसे क्षमतावान रेल इंजन 6,000 पावर हाउस का था। फ्रांसीसी कंपनी अल्टमस ने निवेश के साथ ही संयुक्त उद्यम के से बना मधेपुरा का यह रेल इंजन प्रति घंटा अधिकतम 120 किलोमीटर की रफ्तार से भारी ढुलाई करने में सक्षम है। इस नवनिर्मित रेल इंजन के मालगाड़ियों की रफ्तार और उनकी माल ढुलाई की क्षमता में सुधार आएगा। इलेक्ट्रॉनिक रेल इंजन
बनाने वाले मधेपुरा रेल कारखाना में तैयार इस इंजन की लागत करीब 25 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस नए इंजन से 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से मालगाड़ी पटरी पर दौड़ सकेगी। 12,000 पावर हाउस की क्षमता वाली इंजन को ट्रेन को 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाने में सक्षम होगी। साथ ही पहाड़ी इलाकों में चलने वाली कई ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने के लिए दो दो इंजनों का इस्तेमाल करना पड़ता है। इस नए इंजन से दो की जगह एक ही इंजन काम आ सकेगा। अगली खबर, ग्लोबल इनोवेटिव स्मार्टफोन ब्रांड वीवो ने आज अपने मेक इन इंडिया लोगो प्रतियोगिता के विजेताओं की घोषणा की। ब्रांड की मेक इन इंडिया मुहिम के प्रति प्रतिबद्धता को जीवंत करते हुए राहुल पटेल द्वारा डिजाइन किया गया विजेता लोगो हाल ही में लॉन्च किए और V19 सहित सभी वीवो डिवाइसों पर प्रिंट किया जाएगा। यह लोगो देश में निवेशित करने के लिए फर्म की प्रतिबद्धता को फिर से स्थापित करता है और यह दोहराता है कि भारत में बेचा गया प्रत्येक वीवो डिवाइस भारत में ही बना है। वीवो ने डिजाइनिंग की प्रति उत्साही लोगों को पिछले साल नवंबर में अपने 5 साल पूरे होने के जश्न में हिस्से के रूप में एक नया लोगो डिजाइन करने के लिए आमंत्रित किया था। 3,300 प्रविष्टियों में से चुने गए विजेताओं को अपने लोगो के राइट्स के लिए 5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। इसके अतिरिक्त 10 रनर अप विनर्स को वीवो डिवाइस दिए जाएंगे। विजेताओं को बधाई देते हुए वीवो इंडिया के डायरेक्टर ब्रांड स्ट्रेटजी निपुण मार्य ने कहा, मेक इन इंडिया लोगो प्रतियोगिता के विजेताओं की घोषणा करना हमारे लिए खुशी की बात है। इस प्रतियोगिता के दौरान प्रतिभागियों रचनात्मक और इससे शानदार डिजाइन को देखकर बहुत अच्छा लगा। अगली खबर गुजरात के राजकोट से है। गुजरात के राजकोट में खबर है कि एक टीवी पत्रकार पर भीड़ ने हमला कर दिया। राजकोट के सापर वेरावल विस्तार में गुस्साई भीड़ ने बीपी अस्मिता के पत्रकार हार्दिक जोशी पर हमला किया। हमले में पत्रकार को गंभीर चोट लगी है। हार्दिक जोशी नाम के टीवी पत्रकार पर हुए इस हमले की चारों तरफ निंदा हो रही है। इस हमले के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपियों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। कुछ आरोपियों को तो राजकोट के अन्य राज्यों में जाने वाली ट्रेन से उठाकर पुलिस ने अपने शिकंजे में ले लिया है। दरअसल बीते दिनों सापर वेरावल विस्तार में श्रमिक कुछ अफवाह के चलते बड़ी तादाद में सड़क पर आ गए थे और वाहनों में तोड़फोड़ की, जिससे SP समेत कई पुलिसकर्मियों घायल हुए थे। अगली खबर, मोदी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन शुक्रवार को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने जा रहे हैं। WHO की माने तो भारत में कोरोना से लड़ाई में अहम भूमिका निभा रहे डॉक्टर हर्षवर्धन 22 मई को अपना कार्यभार संभाल सकते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन जापान के डॉक्टर हिरोकी नकाटनी की जगह बोर्ड के अध्यक्ष का काम संभालेंगे। मंगलवार को भारत को WHO के कार्यकारी बोर्ड में शामिल करने के प्रस्ताव पर मुहर लगी है, जिस पर 194 देशों ने हस्ताक्षर किए। पिछले साल सर्वसम्मति से WHO के दक्षिण पूर्व एशिया समूह के तय किया कि भारत को 3 साल के लिए कार्यकारी बोर्ड के लिए चुना जाएगा। क्षेत्रीय समूह के बीच अध्यक्ष का पद 1 वर्ष के लिए रोटेशन के आधार पर दिया जाता है। पिछले साल तय किया गया था कि 22 मई से शुरू होने वाले पहले वर्ष के लिए भारत कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष पद का हकदार है। एक अधिकारी के अनुसार यह पूर्णकालिक जिम्मेदारी नहीं है। मंत्री को केवल कार्यकारी बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करने की जरूरत होगी। कार्यकारी बोर्ड में 34 सदस्य होंगे जो स्वास्थ्य के क्षेत्र से होंगे। बोर्ड के साल में कम से कम 2 बार बैठक करता है। मुख्य बैठक जनवरी माह में आमतौर पर होती है। अगली खबर मुंबई से है। मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन के बाहर मंगलवार को एक बार फिर बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों की भीड़ जुट गई। बिहार जाने के लिए ट्रेन पकड़ने के इरादे से हजारों संख्या में मजदूर एकत्रित हो गए। अधिकारी ने कहा कि पश्चिम रेलवे और सुरक्षा एजेंसियों को स्थिति पर काबू पाने बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन 12 बजे बिहार पूर्णिमा के लिए प्रस्थान करने वाली थी, लेकिन बड़ी संख्या में अपंजीकृत और अनाधिकृत प्रवासी अपने परिवार और सामान के साथ टर्मिनल के पास आ गए और एकत्रित हो गए, जिसके बाद पुलिस प्रशासन को बड़ी मशक्कत के साथ उन्हें वापस भेजना पड़ा। पश्चिम रेलवे के मुख्य प्रवक्ता रविंद्र भाकर ने कहा, अधिकृत यात्रियों की जांच की गई और राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा स्टेशन परिसर में प्रवेश करने की अनुमति दी गई। ट्रेन दोपहर 12 बजे बांद्रा से 1700 पंजीकृत प्रवासियों और उनके परिवार को लेकर चली। भाकर ने बताया कि इस ट्रेन में वही यात्री गए हैं जिन्होंने पंजीकरण कराया था।
बाद में ट्रेन रवाना होने के बाद बाहर जो अतिरिक्त भीड़ जमा हुई उसे पुलिस और अन्य सुरक्षा कर्मियों ने हटाया और साथ ही वहां पर रेलवे स्टेशन पर बिहार जाने वाले प्रवासियों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी भी की। मुंबई में कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में इतने लोगों के इकट्ठा होने का बेहद ही चिंता का विषय है और इससे प्रशासन के इंतजाम पर सवाल खड़े होते हैं। सावधान, डेली हंट, डेली हो।